खरगोन जिले के गुगावा जनपद पंचायत के सभा कक्ष में शाम 5 बजे जनपद स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक जिले के अनुभागीय अधिकारी सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई सुझावों पर चर्चा की गई। सर्वप्रथम SDM ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु और उस पर प्रभावी कार्य कर मई माह के अंतिम दिनांक तक खंड गोगांवों को कोरोना मुक्त करने के निर्देश दिए। इस पर उपस्थित सदस्यों से सुझाव लिए जाकर उन पर प्रभावी कार्य हेतु सुझाव दिए गए। पूर्णतः कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया गया। बिना मास्क और अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही करने हेतु दंडात्मक कार्यवाही की जावे। 18 प्लस वाले लक्ष्य अनुरूप उपस्थित नहीं होने पर शेष बचे मोबाइल का उपयोग बिना पंजीकृत 18 प्लस वाले व्यक्तियों किया जावे। गोगांवा से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। आज गोगांवा में ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक रखी गई थी और आज हमारी पहली बैठक थी जिसमें कोरोना की आंकड़ों पर चर्चा की गई और जो समीक्षा में हम लोगों ने पाया और सभी माननीय सदस्यों ने भी इसमें संतोष व्यक्त किया कि अभी तक जो प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है और कोरोना में पूरे स्वास्थ्य विभाग ने जो कार्य किया है वो काफ़ी संतोषजनक है और आज की तारीख में हमारे जो एक्टिव केस हैं वो 87 है और अभी बहुत से ऐसी पंचायतें और गाँव हैं जहाँ एक भी सक्रिय केस नहीं है। गोगांवा चूँकि बड़ा कस्बा क्षेत्र है, यहाँ सक्रिय केस की संख्या ज़्यादा है, तो आज की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि आगामी 31 मई तक सख्ती के साथ इसका हम लोग पालन करेंगे। इसमें यहाँ के लोकल PI और लोकल तहसीलदार को भी निर्देश दिए गए कि सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए और इस बीमारी से बचने के लिए मैं जनता से भी अनुरोध करूँगा कि दो ही उपाय हैं, एक तो वो मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में न बैठें और दूसरा टीका लगवाएं और दूसरे को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। सर आपका शुक्रिया। सत्येंद्र सिंह SDM करने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।